नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्राई के एक बड़े फैसले के बारे में। देश में लगभग सभी लोगों के पास मोबाइल फोन है। हर कोई अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, लेकिन पिछले दिनों मोबाइल उपभोक्ताओं की तरफ से मोबाइल कंपनी को लेकर शिकायत दर्ज की गई। इसमें यह कहा गया कि मोबाइल कंपनी मोबाइल उपभोक्ताओं के साथ चोरी कर रही है। ऐसे में टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि TRI ने ट्राई ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि ट्राई ने हाल ही में एक बड़ा संशोधन आदेश जारी किया, जिसके तहत अब यह कहा जा रहा है कि मोबाइल प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की जगह पर 30 दिनों की होगी। यानी कि अब तक जो प्लान 28 दिनों का था, वह अब 30 दिनों का होगा। ट्राई ने साफ साफ कहा है कि नोटिफिकेशन जारी होने के 60 दिनों के भीतर इस नए नियम को लागू करना होगा। ऐसे में अब जो बात कही जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि ट्राई के नए आदेश के अनुसार हर टेलीकॉम कंपनी को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कम्बो वाउचर ऐसा पेश करना चाहिए जिसकी वैलिडिटी 28 दिन की जगह पूरे 30 दिन की हो। इस प्लान को अगर ग्राहक दोबारा रिचार्ज कराना चाहे तो वो ऐसा मौजूदा प्लान की ही तारीख से करा सके, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। बता दें कि पिछले दिनों यूजर्स ने प्लान की वैधता को लेकर शिकायत दर्ज किया था, जिसमें टेलीकॉम कंपनियां महीने भर का पूरा प्लान नहीं देती है। टेलीकॉम कंपनियां एक माह में 30 दिन की जगह 28 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान दे रही है, जिसके बाद ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान को भी पेश करने का फैसला सुनाया। शिकायत के रूप में जो बात कही गई, उसमें यह कहा गया कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जैसे कि रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया मोबाइल रिचार्ज के नाम पर ग्राहकों से 30 दिन के बदले में 28 दिन की वैधता दे रही है। इस दौरान ग्राहकों ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि हर महीने 2 दिन कटौती करके कंपनियां साल भर में करीब 28 दिन का बचत कर लेती है। इस तरह टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों से साल भर में 12 की जगह 13 माह का रिचार्ज कराती है। इसी तरह 2 माह के रिचार्ज में 54 या 56 दिनों की वैधता मिलती है, जबकि 3 माह के रिचार्ज में 90 दिनों की जगह 84 दिनों की वैधता ऑफर की जाती है। वहीं अगर हम बात कुछ दिन पहले की कर ले तो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से लोगों का मोह भंग हुआ है। BSNL की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर लोग BSNL के साथ जुड़ने लगे। हालांकि ग्राहकों का यह भी कहना है कि अगर BSNL का नेटवर्क सही हो जाए तो आज भी BSNL ही अच्छा है। हालांकि पिछले दिनों की खबरों की माने तो लोगों का जुड़ाव सरकारी कंपनियों के साथ हुआ है। ऐसे में अब लोगों की उम्मीद है कि BSNL एक बार फिर से पटरी पर लौट सके। प्राइवेट कंपनियों की अगर हम बात करें टेलीकॉम कंपनियों की, तो उसमें जो है एक जो 28 दिनों की वैधता वाला जो मामला था, उसको लेकर ट्राई ने जो अपना बड़ा फैसला सुनाया है। अब कहा है कि कम से कम एक प्लान तो आप 30 दिन का ला ही लाएं। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि अब जो है मोबाइल का प्लान जो है वह 30 दिनों का होगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।